तो हम डिस्कस कर रहे थे कि क्लासफुल और क्लासलेस एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क होता है। तो उस लिहाज से फिर हम कहते हैं कि जब हम सबनेटिंग करते हैं तो सबनेटिंग करते हुए हम अगर क्लासफुल एनवायरनमेंट में सबनेटिंग कर रहे होंगे तो पहला वाला नेटवर्क और आखिरी वाला नेटवर्क हम कन्फिगर नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पर फॉर्मूला यूज़ होगा टूरिस्ट पावर एन माइनस टू। और जिस एनवायरनमेंट में हम जो है क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल कन्फिगर कर रहे हैं उसमें फिर जो है नंबर ऑफ नेटवर्क जो है वो ही पुराने वाले फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे जो कि फार्मूला था टू रेस टू पावर एन। तो अब हमें पहला वाला नेटवर्क भी नहीं ज़ाया होगा हमारे लिए और आखिरी वाला नेटवर्क भी ज़ाया नहीं होगा। सॉरी अब हम जो है जो किस नेटवर्क की बात कर रहे हैं वो वाला नेटवर्क है जिसमें 65,000 पीसीज जो है वो कॉन्फ़िगर है, उस नेटवर्क की बात कर रहे हैं। और अगर 24 लिखा है तो हम एक छोटे से चंक की बात कर रहे हैं जो कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 254 पीसी मौजूद हैं और उसका जो नेटवर्क एड्रेस है वो है 172.16.0.0। ये दोनों का फर्क होगा। इस वजह से अब हम जो है वो जो फार्मूला कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ नेटवर्क्स कैलकुलेट करेंगे तो डिपेंड करता है कि क्लासफुल एनवायरनमेंट है क्लासलेस एनवायरनमेंट है। क्लासफुल में माइनस टू करेंगे नेटवर्क निकालते हुए और क्लासलेस में माइनस टू नहीं करेंगे नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकालते हुए। यह फार्मूला जो है वो चेंज हो जाता है। शुरू में जब सबनेटिंग कराई जाती है उस वक्त ये बताना मुश्किल काम होता है कि क्या मतलब होता है क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल का और क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल का, क्योंकि वहाँ पर हमने जो है ये चीज़ें नहीं पढ़ी होती हैं, इस वजह से जो है वो बताना मुश्किल होता है। इसलिए जो है वो DCN में भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला बताया था नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने का, फिर राउटिंग में भी हमने शुरू में जब डिस्कस किया था उस वक्त भी जनरल फार्मूला ही डिफाइन किया, लेकिन इसको हमें जो है वो नोट करना पड़ेगा। वजी वजी आवाज आ रही है मेरी? वजी है दर वजी हैदर आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। क्या हुआ, सो रहे थे? हैं, आवाज ही नहीं आपकी आ रही है। अब आ रही है जी, अब आई है। क्यों सोते हुए जो है क्लास ले रहे हैं? सर आज थोड़ा थका हुआ था इसलिए। क्या कर लिया आपने कहा? सर कल जरा घर पे कुछ काम हो रहे थे तो इसलिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर ऐसा स्टूडेंट जो है जो कि अपनी जो कॉपी है उसका सलूशन दूसरों को दे दे, शेयर कर दे, तो उसके साथ क्या करना चाहिए? सर पता नहीं। है ना, क्यों आपके पास दिमाग नहीं है? सर मैंने ऐसा किया नहीं कभी। ऐसा आपने किया नहीं कभी? नहीं। अच्छा, और उस बेवकूफ का क्या किया जाए जो कि जो है वो एज इट इज उसी राइटिंग में कॉपी पेस्ट कर दे? सर उसके जीरो कर दिए जाएंगे। जिसने दिया है उसके जीरो कर देने चाहिए? जिसने दिया है और जिसने कॉपी किया, दोनों के ना? Yes, sir. बस जीरो करने काफी है सर। फिर आप बताएं क्या किया जाए। मतलब इतना काफी है?
मतलब उस बेवकूफ को ये भी नहीं पता कि जो है वो जब कॉपी किया जाता है तो वो पिक्चर वही वाली उठा के वो लगा दी, तो राइटिंग भी सेम होती है ना, टेक्स्ट भी सारा के सारा सेम होता है, होता है ना ऐसा? यस सर। ठीक है जी, सही है, ठीक है। तो आपने तो ऐसा नहीं किया ना? नहीं सर। मतलब अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आप कहते हैं कि यस सर। खैर मुश्किल हो गया। अच्छा ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी वजी, आपकी आईडी 9476 है? यस सर। ठीक है, ये जो एक अम्मार बिन सराज को जानते हैं? नो सर। अम्मार बिन सराज को नहीं जानते? 7908। अच्छा जी, उसकी कॉपी हमने चेक की है और उसमें जो है वो किसी की कॉपी से बिल्कुल डिटो जो है वो पिक्चर जो है वो कॉपी हुई हुई है। क्या किया जाए उन दोनों का, इन दोनों के साथ क्या किया जाए? सर ये आप बेहतर बता सकते हैं। तो जीरो कर देना उनके। बिल्कुल सर। ठीक है ठीक है, सही है, ओके। अच्छा जी, वापस टॉपिक की तरफ आते हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग की। तो हमने यहाँ पर डिस्कस सब किया कि हमने कहा कि जो है वो रिप वर्जन 2 क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो अब जब ये बिट बाय बिट जो है वो सारे पैकेट को चेक करता है एक एक बिट को, अब मास्क कुछ भी हो वो एक एक बिट को चेक करके नेटवर्क एड्रेस फाइंड करेगा, चाहे मास्क जो है वो 8 बिट का है, 9 का है, 10 का है, आईपी चाहे क्लास ए की है, और मास्क चाहे 30 बिट का भी है, 30 बिट का भी है, तो तब भी 30 बिट को जो है वो प्रॉपर चेक करके फिर जो है वो पैकेट को डेस्टिनेशन पर फॉरवर्ड कर रहा होगा।
इस वजह से अब हम जो है वो ये कहते हैं कि हम जो है वो सबनेटिंग जो है वन टाइम नहीं करते, हम सबनेटिंग मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। किस तरह से? हम कह रहे हैं कि हमने जो है वो एक आईपी जो हमें मिली है वो अगर क्लास ए की आईपी है और वो सपोज कर लेते हैं कि वो आईपी जो है 25.0.0.0 है, उसको हमने जो है वो दो नेटवर्क बनाने थे इसलिए एक बिट बोरो कर ली और उसका मास जो है वो हमने जो प्रीफिक्स है उसका हमने 9 बिट कर दिया। अब अगर 9 बिट है उसका प्रीफिक्स बन गया तो उसका मतलब ये अब दो नेटवर्क बन गए, एक 25.000 और एक 25.128.00, ये हो गया ना। अब ये दो नेटवर्क्स बन जाएंगे। अब अगर जो है वो किसी को जो है वो एक आईपी हैंडओवर कर दी जाए, वो अपनी मर्जी से फिर मजीद उसकी सबनेटिंग कर सकता है 25.0.0.0। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है वो 9 बिट के बाद सारे के सारे होस्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन 9 बिट जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो अब हम जो सबनेटिंग इसकी कर रहे हैं, अब इसकी मजीद सबनेटिंग अगर मैं करूँगा तो 25.0.0.0 और फिर हम स्लैश करके जो है 12 अगर लिख देंगे तो इसका मतलब यह है कि जो मैंने जो नेटवर्क लिया था पहला वाला नेटवर्क जो 00 नेटवर्क है उसके मजीद मैंने जो है वो 3 बिट और बोरो कर ली हैं। 9 बिट तो पहले था, उसमें से 3 बिट मजीद मैंने बोरो कर ली। जब मैंने 3 बिट मजीद बोरो करनी है तो 3 बिट मजीद जब आप बोरो कर लेंगे तो 2^3 का मतलब 8 बिट 8 नेटवर्क्स और मिले हैं। लेकिन वो उस नेटवर्क का मतलब ये होगा कि पीछे जो सबनेट होगा वो 00 होगा /9 के साथ। /9 के साथ जो है वो सबनेट होगा तो ये वाली जो सूरत होगी इस कंडीशन के अंदर हम कहते हैं कि हमने इसको सब सबनेटिंग की है। ये हम कह रहे हैं कि हमने जो है यहाँ पर दो मर्तबा सबनेटिंग कर दी है, पहली मर्तबा 9 बिट के साथ और दूसरी मर्तबा 12 बिट के साथ सबनेटिंग की है, तो इसको हम कहते हैं कि सब सबनेटिंग। तो इसलिए हम मजीद अगर जिसकी सबनेटिंग कर लें 25.0.0.0 और हम इसको मजीद जो है वो कह दें कि जो है ये हमारे पास 15 बिट के साथ हो गया, तो अब ये मैं जो कर रहा हूँ ये मैं कह रहा हूँ कि मैंने 3 मर्तबा सबनेटिंग की। जो नेटवर्क मुझे मिला 25.0.0.0/12 के साथ, ये 2 मर्तबा सबनेट हो गया था, पहले 9 बिट के साथ फिर 12 बिट के साथ। अब उसको मैंने मजीद जो है मुझे 8 नेटवर्क्स बनाने थे अपने इन्वायरमेंट में, तो मजीद 8 नेटवर्क जब बनाने हैं तो मैं इसको कहता हूँ कि ये वाली जो सबनेटिंग है वो फिर 3 मर्तबा सबनेटिंग होगी। इसको फिर हम कहते हैं कि ये सब सब सबनेटिंग हो गई। तो इसलिए अब मैं कह सकता हूं कि जो आईपी मुझे मिली है मेरे घर पे मुझे मिली है आईएसपी की तरफ से, उसका मुझे कुछ नहीं पता कि वो कितनी बार सबनेटिंग की गई है। मुझे तो बाहर नज़र आ रहा होगा /30 या /24, तो /24 से पीछे अगर आईपी क्लास बी की है तो 8 बिट बीच में मौजूद है। तो कितनी मर्तबा सबनेटिंग हुई है मुझे मालूम नहीं है, 2 मर्तबा हुई है, 1 मर्तबा हुई है, 4 मर्तबा हुई है, उसका मुझे अंदाज़ा नहीं आता। मुझे तो एक नेटवर्क मिला है और उस नेटवर्क को जो है उसके साथ उसका प्रीफिक्स मिला है, जिससे मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि मैं किस एनवायरनमेंट में मौजूद हूँ, मेरे साथ मजीद इस नेटवर्क के अंदर मजीद कितने आईपीज जो है वो मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग की सपोर्ट जो है वो क्लासलेस एनवायरनमेंट में होती है, क्योंकि हम पहली मर्तबा क्लासलेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं RIP2, इस वजह से इसके अंदर हम ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम मल्टीपल टाइम जो है वो इसमें सबनेटिंग कर सकते हैं।
कोई सवाल आप लोगों का यहाँ पर? तो इधर भी हम देख सकते हैं कि एक राउटर के साथ जो है मल्टीपल इंटरफेसेस हैं, मल्टीपल राउटर कनेक्टेड हैं। तो हमने जो मेजर नेटवर्क हमने बनाया उसके साथ जो है वो ये 6-7 जो है वो हमने मजीद सबनेटिंग हमें करनी है। तो हमने जो नेटवर्क हमें मिला हुआ होगा मजीद उसमें से बोरो करके 3 बिट बोरो करके या 2 बिट बोरो करके या 1 बिट बोरो करके या 4 बिट बोरो करके जितना भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम बोरो करके हम मजीद सबनेटिंग कर सकते हैं। एक नेटवर्क के मजीद छोटे छोटे नेटवर्क्स बना सकते हैं। तो मल्टीपल टाइम हम जो है वो सबनेटिंग कर सकते हैं इसमें। जिस तरह से यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, यहाँ पर हमने जो है वो एक आईपी हमारे पास थी 172.17 और ये 24 बिट के साथ बोरो किया गया, 8 बिट के साथ बोरो की गई, 24 का मार्क्स हमने दिया हुआ है। तो हमारे पास ये टोटल नेटवर्क्स की जो है वो डिटेल आ रही है, ये पूरी डिटेल हमारे पास जो है वो उसके रिस्पेक्ट से। अब उसमें से मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है वो एक आईपी मुझे हैंड ओवर की गई है, वही आईपी ये मैंने आईपी जब मुझे मिली है, मुझे मैंने परचेस की है या मुझे नेटवर्क मिला है, इसको मैं अपने एनवायरनमेंट में, अपने प्राइवेट एनवायरनमेंट में जैसे भी जो है वो यूज़ कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। तो अगर मुझे जो है वो इसको मज़ीद जो है वो सबनेटिंग करनी है तो यहाँ पर इसी आईपी को मज़ीद सबनेट करके 30 बिट के साथ जो है वो सबनेट कर दिया। लेकिन नेटवर्क एड्रेस कौन सा है? वही है जो मुझे मिला है, कौन सा? 172.17.11, क्योंकि 24 बिट के साथ है ना, तो 24 बिट तो मज़ीद हम चेंज नहीं कर सकते, ये तो नेटवर्क एड्रेस है, नेटवर्क एड्रेस चेंज नहीं होगा। हम जो होस्ट पार्ट है उसमें से कुछ बिट्स बोरो करके हम मज़ीद सबनेटिंग कर सकते हैं, तो नेटवर्क एड्रेस चेंज नहीं होगा। तो इसलिए जो है वो हमने कहा कि नेटवर्क एड्रेस वही रहा 172.17.11। अब मज़ीद हम जो है वो इसमें से 6 बिट बोरो करके हमने 64 नेटवर्क्स मजीद बना लिए, 2^6 = 64 नेटवर्क। तो इस इन्वायरमेंट में, ये वाले नेटवर्क के इन्वायरमेंट में रहते हुए जिसको मैंने हाईलाइट किया, उसके अंदर मजीद 64 नेटवर्क बनाए। जब 64 नेटवर्क बने हैं तो उसकी डिटेल जो है वो ये आ रही है कि किस तरह से जो है वो 64 नेटवर्क बन सकते हैं। तो जब ये 64 नेटवर्क बन गया, मैं प्राइवेट नेटवर्क के अंदर अपने इन्वायरमेंट में इनको ईजीली जो है यूटिलाइज कर सकता हूँ। बाहर वालों को कुछ नहीं पता, बाहर वालों ने जो है हमें ये वाली आईपी दी है, उनके पास जो है हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि मैंने ये वाली आईपी रखी हुई है 11.0 और ये वाली आईपी मेरे पास मौजूद है, मैं उसको किस तरह यूटिलाइज कर रहा हूँ ये मेरी मर्जी है, क्योंकि मुझे तो उसको मैनेजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। मुझे छोटे 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 जो है वो नेटवर्क बनाने हैं, तो छोटे छोटे जब नेटवर्क मुझे बनाने हैं तो मैंने उसके रिस्पेक्ट से बिट्स मजीद बोरो करनी और उस हिसाब से कर लिया। ऐसा भी तो हो सकता था कि मैंने जो है वो इसको 2 नेटवर्क बनाना होता, तो 2 नेटवर्क बनाने का मतलब यह है कि मुझे 25 बिट के साथ बोरो करना पड़ता, 4 नेटवर्क बनाने होते हैं तो 26 बिट के साथ, 8 नेटवर्क्स बनाने होते हैं तो 27 बिट के साथ, 16 नेटवर्क बनाने हैं तो फिर 28 बिट के साथ, 32 नेटवर्क बनाने हैं तो फिर 5 बिट के साथ, मतलब 29 के साथ, और अगर 64 नेटवर्क बनाने हैं तो फिर 6 बिट बोरो करनी पड़ेंगी, 30 बिट के साथ जो है मुझे कंफिगर करना होगा। इससे ऊपर हम जा नहीं सकते, मैक्सिमम रेंज यही है, इससे ज़्यादा नेटवर्क्स बन नहीं सकते। होस्ट के लिए 2 बिट हमें लाजमी रिजर्व करनी पड़ती है।
मोहम्मद हुसनैन जी सर। हाँ जी, क्या डिफरेंस है रिप वन रिप टू में कॉन्फ़िगरेशन में जब हम कोड लिखते हैं? सर सिर्फ वर्जन वन और वर्जन टू का डिफरेंस है बस, और क्योंकि आपने बताया था मेजर नेटवर्क ही आता है दोनों में, अभी तो पक्का हो गया मेरे को। गुड, अच्छी बात है, बाकियों को भी पक्का हो जाए तो अच्छी बात है। नंबर कटने के बाद ठीक। अच्छा बिलाल, इस तरह होगा नहीं ना इस क्लास बी के आईपी में। अगर क्लास ए के आईपी होती तो मैं 7 बिट बोरो कर सकता था ना। 7 बिट बोरो कर लेंगे तो बच जाएगा क्या, हम 31 का प्रीफिक्स लिख देंगे। 31 का प्रीफिक्स जब हम लिखेंगे तो आगे होस्ट की बिट कितनी बची है? बिलाल माइक ऑन करो। जी सर। जब हम 8 बिट हम रख लेंगे तो फिर इसका नुकसान ये होगा कि बिट होस्ट के लिए कितनी बिट बची? 31 बचेंगे। ठीक है, 1 बिट बचेगी। फॉर्मूले में रखे 2^1 - 2 = अच्छा सर यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, होस्ट कैलकुलेट करना है ना, 1 बिट बची ना होस्ट के लिए। सही सही। तो जब अच्छा, होस्ट के लिए एक बिट बची तो फॉर्मूला तो होस्ट के लिए फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड ही है ना, वो थोड़ी मैंने चेंज किया, वो तो पुराना फॉर्मूला है ना, 2^n - 2 ये फॉर्मूला था। तो अब होस्ट के लिए कितनी बिट बची है? जब 31 का प्रीफिक्स तुमने कर लिया तो 1 बिट होस्ट के लिए 2^1 - 2 = 0। ऐसे नेटवर्क का क्या फायदा जिसमें कोई इंटरफेस ही नहीं बचा, कोई होस्ट को जो है वो आईपी नहीं मिली उसको, उस नेटवर्क का फायदा क्या? इंटरफेस आईपी तो मौजूद होनी चाहिए ना, मुझे किसी राउटर पे किसी जगह पर जो डिवाइस लगी है उस जगह पर आईपी तो असाइन करनी है ना। नेटवर्क एड्रेस या ब्रॉडकास्ट एड्रेस तो असाइन नहीं हो सकता उस पर, तो इसलिए कहा जाता है कि प्रीफिक्स मैक्सिमम 30 हो सकता है, 31 प्रीफिक्स नहीं हो सकता। आप में से कोई अम्मार बिन सराज को जानता है? आपके क्लास वालों ही है ना वो, अम्मार बिन सराज। वासिक तो जानता होगा। वासिक हेलो, वासिक वासिक क्लास में मौजूद नहीं हो? घूमने फिरने गए हुए हो? अटेंडेंस ले ले भाई। अच्छा जी, ये कोड को हम आके देखते हैं। वसीम फिर जो है वो आपने मुझे बता देना है इसके बारे में, ऑथेंटिकेशन के बारे में, और कोड भी बताना है साथ में। मोहम्मद वासिक अटेंडेंस लगा रहा हूं, बता दो, आवाज निकाल लो। नहीं है मौजूद, अम्मार तो गायब हैं, फहद अहमद, मोहम्मद मुशारिब, नवीद हसनैन, मोहम्मद अब्बास, प्रेजेंट सर, असद अली, अलीना गौहर, सारा, मोहम्मद राजी, मलिक अदनान, मोहम्मद वसीम।
आजिब अली आजिब नहीं है, अब्दुल राफे प्रेजेंट सर, हाँ कल के व्हाट्सएप मैसेज में आजिब ने कहा था कि हाँ ठीक है क्लास हो जाए तो अच्छी बात है, सैटरडे संडे को हम सुकून से बैठेंगे। वजी हैदर प्रेजेंट सर, मोहम्मद बिलाल 9500 प्रेजेंट सर, उसामा रहमान प्रेजेंट सर, बिलाल राजपूत, मोहम्मद माज प्रेजेंट सर, मोहम्मद हसनैन प्रेजेंट, उसामा मीर, उसामा मीर, नुमान अली, उवैस नूर, गुलाम मुस्तफा प्रेजेंट सर, मोइस मसर प्रेजेंट सर, रायत खान, मोहम्मद हमजा, शाहजेब जाफरी प्रेजेंट सर, मोहम्मद वासिफ नहीं, चलो जी वसीम बताए। सर मेरी लगा दी, कौन मेरी? सामा मीर, नाम तो कॉल किया, इतनी दफा आवाज दी तुम्हें, तुमने जवाब ही नहीं दिया, एब्सेंट लगा दी। सर लगा दे सर, मेरी पहले से ही 5 लगी हुई है, मैं शुरू से आया हुआ था, वो जब बीच में पानी पीने गया था। इतनी प्यास लग जाती है तुम्हें? सर वो एक्सरसाइज आजकल आपको पता है कर रहा हूँ, सुबह से उठा हुआ हूँ। चलो अगर तुम हार गया तो फिर एब्सेंट लगा दूंगा, बता रहा हूँ, सही है? ओके सर, सर मेरी तो लगा दे सर। मैं कौन? सर वासिक सर, अभी अभी आया हूँ, मैं बता के गया था, मैं 5 मिनट की ब्रेक पे जा रहा हूँ। 5 मिनट हो गए? सर हो गए होंगे सर, ब्रश करने गया था। 5 मिनट से पहले आ गए? नहीं पता नहीं सर, मैं 5 मिनट तो लगे ही होंगे सर। अच्छा 5 मिनट लग गए हैं, ठीक है जी। वसीम बताएं। सर एक चीज ये बताऊं सर, वो था कि आपने जो है वो लास्ट क्लास में जो है वो ऊपर वाली एक केस स्टडी तक कहा था, तो ये मैंने इतना ज्यादा देखा नहीं, लिया मैंने इसको गो थ्रू किया था थोड़ा सा, तो इसमें ये होता है कि हमारे पास एक तो सबसे पहले ये कि ऑथेंटिकेशन का हमारे पास एक बेनिफिट है इसके अंदर रिपोर्टर 2 में। अब इसके अंदर ऑथेंटिकेशन 2 तरह से हो सकती है कि वो आप सिंपल पासवर्ड रखें, या हमारे पास ऑप्शन होता है MD5 ऑथेंटिकेशन का, और उसके अलावा हमारे पास ये ऑप्शन भी होता है कि हम उसको मल्टीपल कीज और पासवर्ड भी दे सकते हैं एक की चेन के ऊपर। हमारे पास यहाँ पे एक की चेन डिफाइन हो रहा होता है जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल पासवर्ड और मल्टीपल कीज दे सकते हैं, तो वो डिफरेंट कीज जो हैं राउटर जो है को इस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो डिफरेंट कीज डिफरेंट टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम जो है वो की मैनेजमेंट कहते हैं। ओके सर, ठीक है, ये की मैनेजमेंट ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता। आप जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो की चेंज कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं टाइम स्टैम्प भी कहते हैं, और जब आप पढ़ेंगे इसको क्रिप्टोग्राफी, अगर आपने आप लोगों ने कोर्स पढ़ लिया है तो नॉन्स का नाम भी देते हैं NONCE, उससे जो है वो आप जो सिक्योरिटी है अपनी मजीद इनहेंस करना चाहते हैं, क्योंकि जो है जो की आप असाइन कर रहे हैं अगर वो लंबे टाइम तक चलती रहे तो आपको कहा जाता है कि आप की तब्दील कर लें, जैसे HBL की आपकी अकाउंट है उसका जो है वो की को कहा जाता है कि जो ऑनलाइन आप यूज़ कर रहे हैं तो वो की को बार बार बदलते रहें, कोई यूज़ कर सकता है।
मेरे लैपटॉप की मिसाल के तौर पे मैं यूज़ करता रहता हूँ तो मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, कभी ऑफिस में, कभी क्लास में, कभी कहीं कभी कहीं, तो मुमकिन है किसी ना किसी ने जो है वो की जो है ऑब्जर्व कर ली हो, तो इसलिए जो है वो मैं क्या करूँ, मुझे जो है वो हफ्ते बाद जो है वो की बदल दूँ मैं, चलो कम अज़ कम महीने बाद बदल दूँ, तो अगर वो उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसको जो है कोई और अगर यूज़ कर रहा है तो वो उसको वो वाली की जो है वो अब चेंज करने की वजह से यूज़ नहीं कर पा रहा वो, तो इसलिए जो है वो यहाँ पर भी कहा जाता है कि जब आप जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सिक्योरिटी अप्लाई कर रहे हैं, तो की को बार बार आप बदलते रहें, तो यहाँ पर जो है वो कहने को ऑटोमेटिक होगा लेकिन अदरवाइज जो है वो हमने तो कोड किया हुआ है, तो हम ये कहते हैं कि हर रोज़ सुबह 8 बजे जो है मैं उस पर लगा दूँ सेटिंग उसमें ऐसी कि आज वाली जो की है 24 आवर वर्क करेगी, 24 घंटे चलेगी, उसके बाद ये की एक्सपायर हो जाएगी, तो उसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, उसमें की जो है स्टार्टिंग और एंडिंग जो है बतानी पड़ेगी उसकी, कब की इनेबल होगी और कब की जो है वो ये वाली डिसेबल होगी, दूसरी की फिर जो है कब इनेबल होगी और कब डिसेबल होगी, तीसरी की कब इनेबल होगी और कब डिसेबल होगी, ये की मैनेजमेंट कराती है, तो इस पे जो है वो सिक्योरिटी बस हम इन्हेंस करना चाह रहे हैं और ये ऑप्शनल होता है, आप नहीं करना चाह रहे तो जो एक की आपने दी है वही की कंटिन्यूसली चलती रहेगी, आप उसको जो है वो इन्फिनिटी तक चला दें तो वो की जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो जब तक आप मजीद चेंज ना करें उसके अंदर, वो की तब्दील ना कर दें, वो की उस वक्त तक जो है वो चलती रहेगी, तो यहाँ पर जो है वो दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, एक तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस इंटरफेस पर चाह रहे हैं सिक्योरिटी इनेबल करना, ये एक राउटर दो राउटर के दरमियान में हमारे पास जो है एक ईथरनेट लिंक है और एक जो है हम कहते हैं कि हमारे पास सीरियल लिंक है, इन दोनों में से किस पर हम ऑथेंटिकेशन चाह रहे हैं, ईथरनेट लिंक पर, सीरियल लिंक पर, राउटर के और भी इंटरफेसेस होंगे, अभी हमने दो ही बनाए, तो जो इतने सारे इंटरफेसेस होंगे उनमें से किस पर मुझे जो है वो सिक्योरिटी इनेबल करनी है, एक तो मुझे इंटरफेस का नाम बताना होगा, मे बी ईथरनेट 0 हो, ईथरनेट 1 हो, सीरियल 0/0/0 हो, कुछ भी हो सकता है, तो असल जो जहां पर मुझे सिक्योरिटी इनेबल करनी है वो इंटरफेस बताना होगा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मुझे उसको मोड भी बताना पड़ेगा कि किस मोड में मुझे जो है वो सिक्योरिटी इनेबल करनी है, क्या प्लेन टेक्स्ट पे पासवर्ड लगाना है, क्या इनक्रिप्शन करनी है, मतलब अगर प्लेन टेक्स्ट पे पासवर्ड लगा के भेज रहे हैं या MD5 के थ्रू इनक्रिप्शन करनी है, ये दोनों ऑप्शन हैं मुझे बताने पड़ेंगे उसको, तो इसको मोड कहते हैं, ये मोड भी मुझे बताना पड़ेगा कि प्लेन टेक्स्ट करना है या फिर MD5 के थ्रू भेजना है, ये दोनों चीजें मुझे जो है बतानी पड़ेंगी, और ये काम दोनों राउटर्स पर होगा, एक राउटर पर नहीं होगा, अगर आपने एक राउटर पे इंक्रिप्शन कर दी है दूसरे राउटर पे डिक्रिप्शन कैसे होगी भाई, एक राउटर के ऊपर अगर आपने पासवर्ड लगा दिया है तो दूसरा वाला राउटर जो है वो उसको ओपन कैसे करेगा, पासवर्ड तो उसको नहीं मालूम, तो ऐसे दोनों पर जो है वो सेम पासवर्ड सेम टेक्निक के साथ जो है वो हमें कन्फिगर करना पड़ेगा तब ये काम हो सकता है, इसी के रिस्पेक्ट से जो है वो कोड दिया हुआ था तो अभी तक आप जो है वो देख नहीं पाए इसको, नहीं सर वो कोड भी देख लिया था, गो थ्रू कर लिया था, ठीक है, ये दोनों जो है वो केस स्टडीज मौजूद हैं इसमें, ये नॉर्मल केस स्टडी है जिसमें जो है वो आप एक ही की के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, और दूसरा जो केस स्टडी था वो की मैनेजमेंट है जिसमें हम जो है वो उसमें पिछली स्लाइड पे टेक्स्ट पे लिखा हुआ है कि हम की मैनेजमेंट कैसे करना चाह रहे हैं, तो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम दिया हुआ है, दो मेथड हैं इसमें, दोनों जो है उसने डिफाइन किए हुए हैं कि हम स्टार्टिंग एंडिंग टाइम भी बता सकते हैं और ड्यूरेशन भी बता सकते हैं, दोनों तरह से पॉसिबल है,
अच्छा जी, वापिस जो है वो पिछले वाली केस स्टडी पे हम आते हैं। मोइस मजर, आपसे सवाल किया मैंने आज, मोइस मजर, मोइस मोइस मजर, आवाज नहीं आ रही है मेरी आपको। हेलो, कहाँ गायब हो जाते हैं यार आप लोग। सर वो इंटरनेट बहुत वीक आ रहा है कनेक्शन। अच्छा चले, इस एनवायरनमेंट में बताएं कि हमें जो है वो राउटर्स को कन्फिगर करना है, लेकिन इम्पोर्टेंट राउटर जो है हमारा दरमियान वाला राउटर है टोज। ये राउटर इम्पोर्टेंट क्यों है, स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन इस पे करनी है। क्यों? क्योंकि उसके लेफ्ट साइड पर रिप 1 चल रहा है, बॉटम पे रिप 2 चल रहा है, और राइट साइड पे जो इंटरफेस है उस पर दोनों चल रहे हैं, रिप 1 भी चल रहा है, रिप 2 भी चल रहा है। तो कैसे कन्फिगर करेंगे इसको, तो उसको सर आवाज बहुत कट रही है, रिपीट करेंगे सॉरी। मैं इतना कह रहा हूं कि मुझे इस केस स्टडी को समझा दें। जी सर, सर सेंटर में जो राउटर है वो टोस्ट राउटर है, उसके लेफ्ट पे सर लगुना है जिसकी तरह जिससे इसका इथरनेट जीरो कनेक्टेड है सर। उसके बाद इसके नीचे सर एओमा नेटवर्क राउटर है जो रिवी 2 से कनेक्ट हुआ हुआ है इसके इथरनेट 2 पर। और सर राइट पे दो वो हैं कनेक्शन हैं इसके, एक है पजोक और एक सैंडिया से सर इथरनेट 1 पे जो मल्टी लेयर कनेक्शन हुआ हुआ है उनका। वोट कैसे करेंगे इस पे, क्या करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे भाई इस पर? सर इसकी बाकी तो हर पे वही नॉर्मल होगी, जो इसकी इथरनेट 1 होगी उस पे क्योंकि दो कनेक्शंस आ रहे हैं तो उस पे भी सर दोनों का एंड लास्ट वाला सबनेट डिफरेंट है ऑक्टेट। सर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होगी सर, जिस तरह नॉर्मल हमने राउटर रिप लिखा उसके बाद नेटवर्क लिखा। और सर आपको मैं करके बता दूं, आपको लिख देता हूं चैट, आप थोड़ा सा जो है वो गौर नहीं कर रहे इसके ऊपर कि ये जो इस वक्त टोज राउटर है ये रिप 2 कॉन्फ़िगर है इसके ऊपर। और जब आप इसको रिप 2 कॉन्फ़िगर करते हैं तो कौन सा पैकेट सुनता है, कौन सा पैकेट बोलता है, ये बताएं सर। ये सर रिप 1 का नहीं सो रहा ना, उसकी कंपैटिबिलिटी रिप 1 से नहीं हो रही होगी। जी हाँ, तो जो लेफ्ट साइड पर राउटर 1 लगा हुआ है वो 1 को सुनता है और 1 ही को सेंड करता है। फिर सर 1 से कंपैटिबिलिटी नहीं होगा, हुआ हुआ तो सर उसी के लिए